नमस्कार, मैं रोज। आज हम ध्यान करेंगे पहला पत्रस 2:12। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे कि वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मुझे इसका इंग्लिश एनएलटी वर्जन में यह वचन ज्यादा बेहतर लगता है। सुनिए, बी केयरफुल टू लिव प्रॉपरली अमंग योर अनबिलीविंग नेबर्स, देन इवन इफ दे एक्यूज यू ऑफ डूइंग रॉन्ग, दे विल सी योर ऑनरेबल बिहेवियर एंड दे विल गिव ऑनर टू गॉड व्हेन ही जज द वर्ल्ड। कुछ लोगों को लगता है कि वो बिलीवर्स हो गए, मतलब अब दुनिया के किसी भी व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं रहा। अरे, ये तो दूसरे धर्म का, नहीं, इससे तो बात नहीं करना, इसके घर तो जाना ही नहीं। क्रिश्चियनिटी में आ गए, मतलब अपने रिश्तेदारों तक से मुंह फुला दिए। हम बस स्वर्ग जाएंगे और बाकी सब नर्क के लिए बने हैं। एक पल सोचो कि किसी ना किसी ने इस बात से बाहर आकर हम तक, हमारे बाप दादाओं तक सुसमाचार पहुंचाया, तभी तो हम आज इस क्रेज के अंडर में खड़े हैं। माना हम अब स्वर्ग के वासी हैं, हमारा घर, हमारा डेस्टिनेशन बदल गया, मगर जब तक इस शरीर में जान है तब तक हम इसी दुनिया में रहेंगे। अपने पड़ोसियों के साथ जो अन्य जाति के हैं, हमें अच्छा सलूक रखना होगा। उनके सामने हमारा चाल चलन बिल्कुल उत्तम होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में किसी चीज की खेती है, आपको जब उसका फल मिलेगा तो थोड़ा अपने पड़ोसी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई को भी दीजिए। उनका बच्चा बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे, आप भी जाओ। 10 साल से एक ही एरिया में रह रहे हैं, मगर पड़ोसी को अभी तक पता नहीं चला कि आप तो एक क्रिश्चियन हैं। स्कूल से कॉलेज खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि आप क्रिश्चियन हैं। क्यों? क्योंकि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। वो लोग भी झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप भी वही करते हैं। उनके लड़के भी शराब और अय्याशी में खुश होते हैं, आपके भी। लोगों के सामने यीशु का नाम एक बार आपकी जबान में भी नहीं आया। वो लोग भी सेल्फिश हैं, आप भी। घर में लगे आम के पेड़ से एक आम पड़ोसी ने तोड़ दिया तो हमने भी तमाशा बनाया, उन्होंने भी। क्या फर्क रह गया? बस हम सेपरेट है, बोलने भर से कुछ नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, आपके पड़ोस में एक हिंदू फैमिली रहता है और आपकी और उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती, जानी दुश्मन जैसे है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा। एक दिन एक बेचारा प्रभु का दास, जो घर घर जाकर लोगों से यीशु के बारे में बताता है, वो आपके पड़ोसी के घर पहुंच गया। तो वो लोग उस बेचारे के साथ क्या बर्ताव करेंगे, सोचो जरा। यीशु? कौन यीशु? हमें नहीं बनना क्रिश्चियन, देख लो हमारे पड़ोसी, उससे तो अच्छा हम ही भले। उन लोगों ने उस प्रभु के सेवक को धक्के मारकर मारपीट के भरी दोपहरी में घर से बाहर निकाला। फिर हम कहेंगे कि उस जगह के सुसमाचार विरोधी लोगों ने एक प्रभु के दास की ये हालत कर दी। मगर उन लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाया किसने? आपने, आपके आचरण ने। अरे, खुद तो किसी से सुसमाचार बोल नहीं रहे, कम से कम उन बेचारों पर तरस खाओ जो ये कर रहे हैं। उनकी खातिर ही अपने अन्य जाति पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार कर दो। ये मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ कि वो लोगों के साथ आप लीन हो जाओ, उनकी पूजाओं में शामिल हो जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज दीदी ने कहा है, चलो मैं अपने पड़ोसी हिंदू लड़की से प्यार दिखाता हूँ, उससे शादी करने का प्रभु की तरह से ये सिग्नल है। ऐसा सोचना भी नहीं, कभी नहीं। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए, उनसे रिश्तेदारी ना निभाने जाए। हमारे भले कामों को देखकर वो हमारे प्रभु की महिमा करेंगे। माना वो लोग आज आपकी निंदा कर रहे हैं, मगर आप उनके साथ अच्छे से पेश आए। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो एक अच्छे क्रिश्चियन क्या खाक बनेंगे? जरा मेरी बात पर गौर करिएगा। चलिए फिर, कुछ नई सोच के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सबसे अच्छे से रहे। धन्यवाद।